नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, सभी काम धंधे बंद हैं इस कोरोना महामारी में। सिर्फ दो काम धंधों को छोड़कर, पहला है सब्जी और दूसरा है किराना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सब्जी के व्यवसाय के बारे में। सब्जी का व्यवसाय दिमाग में आते ही हमें वही ठेले नज़र आएंगे, हमें सब्जी की बड़ी बड़ी मंडियाँ दिमाग में आएंगी। वहाँ पर कचरा, पशु पक्षी, काफ़ी बारीक व्यवसाय है, काफ़ी कच्चा व्यवसाय है। लेकिन दोस्तों, जितना ही कच्चा व्यवसाय हो, लेकिन ये भी सच है कि मुनाफा बड़ा पक्का है इस व्यवसाय में। और कुछ चले ना चले, दुनिया रुक जाए, कुछ भी बंद हो जाए, देख रहे हैं हम लोग पूरे मॉल बंद पड़े हैं, सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन सब्जियाँ बराबर पहुँच रही हैं घरों में, सब्जियाँ बराबर बिक रही हैं ठेलों पर। सब्जी का व्यवसाय कभी भी बंद नहीं हो सकता। 24 घंटे सातों दिन ये व्यवसाय चलता ही रहता है। लेकिन ये व्यवसाय कभी बंद नहीं हो सकता। अब आप इस व्यवसाय में कैसे एंट्री कर सकते हो, कैसे शुरुआत कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसको लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं किस शुरुआत के साथ करूं, मैं लागत क्या लगाऊं, कैपिटल कितनी लगाऊं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं है। मिनिमम 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार तो यार एक नॉर्मल सी बात है, एक आम इंसान के पास होता है, एक लेबर क्लास इंसान के पास भी 4-5 हज़ार रुपये होते हैं। तो दोस्तों, ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसे आप 4-5 हज़ार रुपये की लागत से भी शुरू कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इसकी जड़ पकड़ ली, कैसे क्या बेचना है। दोस्तों, बेचना भी एक कला है, कैसे बेचना है। सीजनेबल फ्रूट्स बेचते हैं कई लोग, जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो आम ही आम बेच के भी 4-5 सौ रुपये कमा रहे हैं। लागत कितनी लगा रहे हैं ठेलों पर, 4-5 हज़ार, गली गली घूम रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे गली घूमो, लागत नहीं है, ठेला ले सकते हो, आपको अच्छा लगता है घर घर जाके पहुँचाओ, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन इससे आप ब्रांड बना के भी बेच सकते हो। अब ब्रांड कैसे बनेगा, ब्रांड बनने के लिए आपको सब्जी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। सब्जी के व्यवसाय में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जो प्रथा चलती हुई आ रही है, आपको ठेले पे सब्जी नहीं बेचनी है, क्योंकि आपको थोड़ा उस लेवल से आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपको करना क्या है, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अच्छी सोसाइटी हो सकती है, अच्छी गली मोहल्ला मार्केट, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप अच्छी सी लोकेशन पर एक किराए की दुकान देखिए। दुकान 10x10 की हो चलेगी, 10x20 की हो चलेगी, और उस दुकानों पर मॉडिफाइड रैके लगवाइए। वो रैके कैसे लगती हैं, उसके डिज़ाइन आप नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आजकल झुकी हुई रैके होती हैं जिस पे ट्रे आती हैं प्लास्टिक की, और वो प्लास्टिक की ट्रे हाफ वाली लीजिए, फुल वाली मत लीजिए, हाफ वाली ट्रे में कई तरह की सब्जियां आप रख सकते हैं। एक साइड सब्जियों का पोर्शन रखिए, एक साइड फलों का पोर्शन रखिए, और इसके साथ साथ सब्जी भी बिकेंगी, सीजनेबल फल भी बिकेंगे, ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी आती हैं आजकल, ऑर्गेनिक मशरूम, बेबी कॉर्न, इस टाइप की सब्जियाँ भी आती हैं, ऑरेंज वाली शिमला मिर्ची आती है, या फिर चाउमीन ने देखा होगा, चाउमीन में कई सारी चाइनीज़ चीज़ डलती हैं, बीम्स डलती है। तो ऐसी सब्जियाँ जो आम ठेलों पर नहीं मिलती, ऐसी सब्जियाँ जो आसपास आसानी से उपलब्ध नहीं होती, वो आप अपनी शॉप पर बेच सकते हैं। और उस शॉप पर ऐसी व्यवस्था कीजिए, थोड़ी कूलिंग बनी रहे, सब्जियाँ कम से कम सड़ें, जो सब्जियाँ सड़ने वाली हों उन्हें आप बाहर रखिए, सस्ते दाम में बेचिए, और जो सब्जियाँ ताज़ी हैं उन्हें आप अंदर रखिए, और जो सब्जियाँ सड़ने वाली हों उन्हें आप सस्ते भाव में निकाल दीजिए। होटल वाले होते हैं, वो सस्ते भाव में वो सब्जियाँ ले लेते हैं, और जो सब्जियाँ ताज़ी हैं उसे कुछ प्रॉफिट ज़्यादा रख के बेचिए। कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके पास ही उपलब्ध होंगी, जैसे ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, जैसे मैंने बताया बेबी कॉर्न है, ऑरेंज वाली शिमला मिर्ची है, ग्रीन वाली अपनी गोभी है, बीन्स हैं, ऐसी बेबी कॉर्न हैं, और अपना मशरूम्स हैं। ये चीज़ें आपको आम जगह नहीं मिलेंगी, तो इससे आप अपना फॉर्मूला बनाइए, इससे आप अपना मोनोपोली बनाइए, इसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जूसेस बेचिए, गर्मी में गन्ने का जूस ज़्यादा बिकता है, आम का जूस ज़्यादा बिकता है, और मॉकटेल्स बेचिए,
शिकंजी बेचिए, सोडा बेचिए, केरी का पना बेचिए। तो ये सब्जी का जो व्यवसाय है, सब्जी के व्यवसाय के साथ साथ आप कई तरह के भी जूसेस, स्क्वैश, केरी का पना, नींबू पानी, शिकंजी, सोडा, ये आप आसानी से बेच सकते हैं। और इन पूरे सेटअप में विश्वास मानिए, किराए के अलावा, थोड़ा सा डिजाइनिंग के अलावा, इंटीरियर के अलावा, कुछ भी ज़्यादा लागत नहीं है। मैं बता रहा हूँ 40-50 हज़ार रुपये में आपका ये काम आसानी से शुरू हो सकता है। और अपना ब्रांड बनाइए, जो भी ग्राहक आए उससे कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे उनकी डेली की ज़रूरतों को समझिए और ज़रूरत पड़े ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार आप सब्जी की होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी ले सकते हैं, अपने डेली के प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। और सीजनेबल सब्जी भी होती हैं, जैसे गर्मी में केरी का सीजन है, लोगों को अचार ज़्यादा लगता है, तो केरी का सीजन के लिए आप स्पेशल केरियाँ लेके आइए, या कच्ची वाले आम आते हैं उसमें लोग अचार डालते हैं, तो वो आम एक्स्ट्रा लेके आइए और बेचिए। इसके साथ साथ आप इसमें स्टोर्स में कई तरह के मसाले ऐड कर सकते हैं, कई तरह के ऑर्गेनिक दालें आती हैं वो ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, कभी कभी आस पड़ोस में कभी किसी का पार्टी है, शादी है, फंक्शन है, तो आप बल्क में भी उनसे ऑर्डर ले सकते हैं और उनको सप्लाई कर सकते हैं। आस पड़ोस में होटल वाले देखिए, या फिर कोई किचन देखिए, या फिर कोई टिफिन सेंटर देखिए, जिन्हें बल्क में सब्जी लग रही है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके उनको आप बल्क में भी सब्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी संभावना है, और चैलेंजेस ये है कि ये काम कभी थकने वाला काम नहीं है। अगर आप थक जाओगे, बोलोगे यार मेरे को वीकेंड चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, तो दोस्तों आपको इस काम में वीकेंड नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, क्योंकि संडे हो या मंडे, खाना तो रोज़ चाहिए, और खाने का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है सब्जी, फल। सब्जी और फल अगर नहीं खाएंगे तो फिर सब्जी कैसे बनेगी? दोस्तों, हमारा सब कुछ बंद हो सकता है, मैंने कहा ना, अपनी पेट शांत नहीं हो सकता, मेरी भूख शांत नहीं हो सकती। तो इसी में लोगों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, उन्हें पर डे ताज़ी सब्जियां प्रोवाइड कीजिए। इसके साथ साथ जो भी आप अपना शॉप इंटीरियर करते हैं, उसमें अगर आप 20-25 हज़ार रुपये की लागत के से एक छोटा सा डिफ्रिजर लीजिए, और उसमें डेयरी के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, दूध, दही, पनीर, मठा, छाछ, लस्सी, आप चाहें तो ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी कई जगह अच्छा चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा आपने, सब्जी की सब्जी, फ्रूट्स के फ्रूट्स, अपना ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक दालें, मसाले, जूसेस, सोडा, इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इस सब्जी के व्यवसाय में कितनी सारी चीज़ हमने ऐड कर दी। और ये विश्वास मानिए, पूरे काम में 1 लाख रुपए भी लागत नहीं आती है। अब बात आती है कि जहाँ भी लोकेशन लो, वहाँ पे पहले देखिए, पहले पूरा उसको फॉलो कीजिए, पहले पूरा उसको समझिए कि मेरे एरिए में कैसा ग्राहक है। यहाँ पे पॉश एरिया है, या मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हाईफाई लोग रहते हैं, कि लोअर क्लास रहते हैं, तो जिस तरह का एरिया होगा उनकी ज़रूरतें भी उस तरह की होंगी। उनकी ज़रूरतों के अनुसार आप वैरायटी रखिए, क्वालिटी रखिए, और रेट भी निर्धारित कीजिए। दोस्तों, हर चीज़ में दो क्वालिटी आती हैं, प्याज भी 2 तरह के आएंगे, तो आलू भी 2 तरह के आएंगे, तो क्वालिटी को डिवाइड कीजिए, हल्की भी हो, अच्छी भी हो, कॉमन भी हो, एक्स्ट्रा वाली भी हो। दोस्तों, ग्राहक हर चीज़ का है। तो दोस्तों, शुरुआत आपने एक स्टोर से करी, शुरुआत आपने एक दुकान से करी, अब आपको लगता है कि मेरी दुकान अच्छे से रिटर्न दे रही है, 2-3 लड़के लगाइए, भाइये लगाइए, 2-3 लेडीज़ से भी आप ये दुकान अपनी आराम से शुरू कर सकते हैं। आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जो बारकोड के जरिए ऑटोमेटिकली बिल जनरेट करते हैं। कैमरे लगा दीजिए, ग्राहक खुद आएगा, खुद तोलेगा, खुद भरेगा, बस आपको बारकोड से स्कैन करके उनको बिल देना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी साइकिल वाला बिजनेस है, बस माल आना है, माल जमाना है, ग्राहक आएगा, उठाएगा, तोलेगा, वो साइकिल जो है घूमती रहेगी, और आप आसानी से एक स्टोर से दूसरा स्टोर भी अच्छी लोकेशन में खोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपका यही होगा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा,
बस ध्यान दीजिए, जितना आप मंडी से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब आप कहो कि मेरे पास में 1 किलोमीटर पीछे ही बड़ी मंडी है सब्जी की, जहाँ थोक के भाव में सब्जियाँ मिलती हैं, और मैं 1 किलोमीटर की रेंज में दुकान खोलूँ तो नहीं चलेगी। सब्जी मंडी से दुकान आपकी 5 या 6 किलोमीटर दूर होगी तो बहुत चलेगी, ज़्यादा चलेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर चल के कोई भी सब्जी लेने नहीं जाएगा, क्योंकि इतना तो उसका पेट्रोल लग जाएगा। आज के दौर में लोगों के पास टाइम भी नहीं है, समय की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। आप अच्छी क्वालिटी दो, वो ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुँचेंगे, लेकिन कमी किस चीज़ की है? समय की है। और समय की कमी के कारण वो आपको व्हाट्सअप पे ऑर्डर देंगे, वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर देंगे, वो आपसे ग्रुप में ऑर्डर करेंगे, वो आपसे डिलीवरी, आप उनसे डिलीवरी भी चार्ज कर सकते हैं। कई लोग एक्सप्रेस डिलीवरी 25 मिनट के अंदर डिलीवरी चार्ज करते हैं, जिसमें वो 25 से 30 रुपये भी ग्राहक से ले लेते हैं। और अगर आप ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं तो 2 टाइम स्लॉट बना दीजिए, सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी सब्जी के ऑर्डर आएंगे उनकी डिलीवरी मैं 12 बजे के पहले करूँगा, और 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो भी ऑर्डर आएंगे उनकी डिलीवरी मैं 6 बजे से पहले करूँगा। तो दोस्तों, इसमें आपको डिलीवरी फ्री रखनी है, जिसमें डिलीवरी स्लॉट होगा, और जिसमें एक्सप्रेस डिलीवरी की, जैसे अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो 25 मिनट्स के अंदर आपको सब्जी उनको पहुँचा के देनी पड़ेगी। बस शर्त यही होनी चाहिए कि मिनिमम ऑर्डर उनका 200 रुपये का होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपने नज़रिए से आपको समझाया, शॉप नहीं ले सकते तो ई रिक्शा में शुरू कीजिए, छोटे स्तर से शुरू कीजिए, लागत कम है तो ठेले से शुरू कीजिए, और अगर बस लागत ज़्यादा है तो एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना के शुरू कीजिए। इस काम को आप किसी भी तरह से शुरुआत कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिए ये काम कच्चा है लेकिन मुनाफा बहुत पक्का है। और ओवरऑल मार्जिन की मैं बात करूं अगर इस व्यवसाय में, तो 20-30% का मार्जिन आपका कहीं नहीं गया, आलू और प्याज को छोड़कर। आलू और प्याज दोस्तों, ऐसा है ना, आलू प्याज जो है इनका बेस है, आलू और प्याज को देख के ग्राहक और ऐसी चीज़ें लेने आता है जिसमें 50-50% तक मार्जिन होता है। आलू और प्याज में आपका 12-15% मार्जिन रहेगा, और ओवरऑल हर सब्जी में जो आपका मार्जिन रहेगा टोटल आपका 25-30% का आपका मार्जिन रहेगा। मान लीजिए अगर आपने 3-4 हज़ार का भी धंधा कर लिया तो आपके 1,000-1,200 रुपये कहीं नहीं गए। और आगे चलकर आपने इसमें वैरायटीज़ जोड़ते गए, इसमें आपने मॉकटेल्स जोड़ा, सोडा जोड़े, केरी का पन्ना जोड़ा, डेयरी प्रोडक्ट्स जोड़े, इसमें आपने सीजनेबल प्रोडक्ट्स जोड़े, इसमें आपने मसाले जोड़े, ऑर्गेनिक दाल जोड़ी, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। और अगर ओवरऑल मार्जिन आपका 8-10 हज़ार का है तो 3-4 हज़ार रुपये की आपकी कमाई इसमें कहीं नहीं गई। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है मन में, कोई समाधान है, कोई शंका है, कोई भी मन में ऐसा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस अगर आइडिया चाहते हैं आप, तो मेरे वीडियोस लाइन से डले हुए हैं, और मेरे चैनल वीडियोस चैनल है, मैं भी खुद व्यापारी हूं, और मैं चाहता हूं आप भी व्यापार में आगे बढ़ें, कुछ नया करें। और मिलता हूं दोस्तों कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।